समान और योद्धा होगा। रेखा से जो तुम्हारे गर्भ से बालक पैदा होगा इतना बलशाली होगा उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें वो एंड में जब मारा जाएगा तो भगवान उसे साक्षात मारने के लिए आएंगे। पवन रेखा जब चली जाती है ये कहने के बाद में आ गए जब बड़ी है पवन रेखा तो क्या हुआ है साथियों, धीरे 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 पवन रेखा जब आगे बढ़ी है तो जो सहेलियां थी वो सहेलियां आ जाती हैं। सहेलियां कहने लगी हैं बाजीबा बहन, अरे भाई तुम कहां थी, तुम्हारा ये श्रृंगार किसने उजाड़ दिया, तुम्हारे ये चुनरी को किसने फाड़ दिया। तो कहने लगी है पवन रेखा, बहन तुम्हें नहीं पता है, तुम तो हमें छोड़ के चली गई। और बोली कि तुम छोड़ के हमको चली गई और एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया, मेरी चुनरी को फाड़ दिया और मेरा श्रृंगार। Yeah.
पूछो अकेले क्या हुआ यहाँ, तो सहेलियां कहने लगी क्या करें बहन, ऐसी आंधी आई जो शादी में मैंने जान भी नहीं पाया, सब लोग इधर उधर हो गए। पवर रेखा चली जाती है और जब पवर रेखा आई है धीरे धीरे, अब बात महाराज उग्रसेन को नहीं बताई, वो बात छिपा गई। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ है, प्रसव काल का जब समय आया है, तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जब उस बालक ने जन्म लिया है तो क्या हुआ है, जब उस पवन रेखा के गर्भ से वो बालक जन्मा है तो बताया ये गया है, विद्वानों का ये कहना है कि पैदा होते बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, गर्भ से जब उस बालक ने जन्म लिया तब बताया ये गया है, जब उस बालक ने जन्म लिया है तो क्या हुआ, पवन रेखा के गर्भ से जब उस बालक ने जन्म लिया, और इधर पवन रेखा जो है बहुत परेशान है, जब उस बालक ने जन्म लिया है तो तूफान सा आ गया, बादल गरजने लगे, बिजली तड़पने लगी, पानी बरसने लगा है, एक महाप्रलय सी आने लगी, सब लोग हैरान होने लगे हैं। और जब धीरे धीरे उसका नाम जो था, नामकरण संस्कार करवाया है तो उसका नाम कंस रख दिया। कंस जब धीरे धीरे कुछ सियाना हुआ है, जब सियाना हुआ है कंस, तो कंस बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो उपद्रव मचाने लगा, किसी बच्चे का हाथ तोड़ देता है, किसी की टांग तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की आंखें निकाल लेता है, उपद्रव मचाने लगा। बहुत ऐसा हो गई वहां, सब लोग हैरान होने लगे हैं, सब लोग उग्रसेन के पास आने लगे हैं, कहने लगे हैं महाराज आप राजा हैं और आपके पुत्र हैं, तो वो अब तो उपद्रव मचाने लगे हैं, ऐसे हम लोग कैसे रह पाएंगे। उग्रसेन समझाने लगे हैं लेकिन कंस के एक भी समझ में नहीं आया। भाई कंस जब धीरे धीरे कुछ सियाना हुआ है
तो कंस शादी के लायक हुआ, जवान हुआ। तो कहने लगा है कंस, क्यों यहां के राजा हम बन जाए तो कैसा रहेगा। तो जो कंस के साथ वाले रहे कहने लगे, भैया जो तुम राजा बन जाते तो चिंता ही का सुनाए, तुम जो राजा बन जाते तो फिर हमें क्या चिंता है, बहुत खुशी की बात है। तो कंस ने क्या किया है, उग्रसेन से कहा है, पिताजी अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, अरे तुम जाइए राज्य को नहीं संभाल पाओगे, अब ये जो सर पर मुकुट रखा हुआ है वो उठा के हमारे सर पर रखो, ये राज सिंहासन वो हमें दीजिए, छोड़ो। तो कहने लगे हैं उग्रसेन, कंस पागल नहीं बन, तू राजा बनेगा दुनिया तुझे थूकेगी, तेरे कर्म अच्छे नहीं है। कंस कहने लगा, पिताजी ज्यादा बात करने की नहीं, जो मैं कहूं बस उतना करो, अब यहां के राजा हम बनेंगे। जबरदस्ती कंस ने उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डाल दिया और वहां का राजा बना है। और जब राजा बना है कंस, तो क्या हुआ सब लोग हैरान होने लगे, कहने लगे बाजी भाई ये कंस यहां का राजा बन गया, ये तो उपद्रव मचाने लगा। सब लोग हैरान होने लगे, लेकिन साथियों हुआ क्या है, संत महात्माओं की वो दशा कर दी है कंस ने। बताया ये जाता है, जो संत पीले कपड़े में देखता है उसे पकड़ करके जेल में डाल देता है। क्या हुआ, संत महात्माओं की क्या दशा है कंस के शासन में, के हाथन में कड़ा और पायन में कड़ा, पगलन में रस्सी पड़ी की। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे, बहुत हैरान है।
इधर क्या हुआ है? कंस ने सब लोगों को ठिकाने से लगा दिया और पत्रा मचाने लगा, अधर्म करने लगा। धर्म बिल्कुल भी करता नहीं है, मंदिर की जगह मंदिर तोड़वा के ठेका खुलवा दिए। बहुत ऐसा है, सब लोग हैरान हैं। और जिन्हें देखता है कि हमारे राज्य में दुखी हैं, उसे पकड़ के जेल में डाल देता है।